बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है जी, आज हमारे पास रनाई का वाटर हीटर या इंस्टेंट गीजर कह लें इसको आप, तो इसमें ये रेड लाइट आ गई है। तो आपने परेशान नहीं होना, आज हम इसका हल ढूंढेंगे कि ये किस वजह से आती है। और इसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो गीजर तब्दील कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें भी ये लिखा हुआ कि गीजर अपना टाइम पूरा कर चुका है, तो लिहाजा आप इसको ज़ाया कर दें। 2010 का मॉडल यहाँ पर, 2 10 2 10 2 ऊपर भी लिखा हुआ, तो 1921 इसका जो है वो इन्होंने डेट डाली हुई है। तो यहाँ पर ये अब जो है 22-23 पे चला गया, तो यहाँ पे वो एक्सपायर हो गया। अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा ऐसा चीज़ है जो एक्सपायर होती है। ये इसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है, ये 6 लीटर होता है जापानी गीजर, आता ही 6 लीटर में। और ये गैर फाल है, इस वक्त ये कोई काम नहीं कर रहा जब तक ये लाइट स्टेबल नहीं होगी। बैटरी चार्जिंग का मसला नहीं है, मैंने इसको सेल भी लगाए, दूसरे सेल भी लगाए, इस पर काम नहीं कर रहा। इसको खोलेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये गैर फाल हुआ क्यों। ये हमने ओपन कर लिया है, ये RID सेंसर जो है इन्होंने यहाँ पर इसको बैंड किया हुआ है, क्योंकि ये पाकिस्तानी मार्केट में इनके ऊपर थोड़ा वो करके अल्टरनेटर फिर बेचते हैं। तो बाकी तो सारा ठीक है, कोई बाईपास नहीं है, किट इसमें अपनी जैमन लगी है। और ये एक बैक पे सेंसर होता है, हम ये चेक करेंगे इसकी क्या कंडीशन है। ज़्यादातर यही सेंसर गैर फाल होता है, तो इसको देखते हैं। ये चेक करें जी, यहाँ पर लाइट खत्म हो गई है, ये देखें रेड लाइट ऑन, और इंडिकेशन गीजर ऑन हो के बंद होना शुरू हो गया। तो वो जो इसका एरर था वो ख़त्म हो गया। अब हमने ये वाला जो सेंसर है ना, ये इसकी बैग पे लगा होता है सेफ्टी सेंसर, ये हमने ट्रेस आउट किया है ये सेंसर ख़राब है। हम इसको इस जंपर के साथ जंप करेंगे और आपको दिखाएंगे, ये चेक करेंगे। हमने इसको जंप कर दिया यहाँ से इस तरह, और अब हम इसको चेक करेंगे। ये चेक करेंगे, हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट करने के बाद गीजर हमारा ऑन हो गया है, और पानी का टेम्परेचर भी मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ। लाइट आपके सामने ऑन है, जस्ट इसकी वजह से जो है, ये सेंसर की वजह से गीजर हमारा गैर फाल हो गया था इसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, तो हमने इसको बाईपास कर दिया। ये लगा होता है, बंद कर देता हूँ बात करने के लिए आपसे। तो ये लगा होता है हमारे पास बैक साइड पे इस रेडिएटर के साथ, जो इसकी टंकी जिसको बोलते हैं ना, कि अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, आग लग जाती, तो ये इसको बंद करके पीछे से गैस बंद कर देगा, कि कम जो है गैस बीच में मिक्स हो के आग ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। तो हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान है यहाँ पर गैस आती नहीं है। तो बाकी ये सामने लगा हुआ है, वह हमारे वॉशरूम के अंदर है, तो इसका मसला नहीं है। तो हमने इसको बाईपास कर दिया, अब मैं पता करूंगा इसका, अगर सेंसर मिलता है तो लगाएंगे, वरना ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा जेन्युइन है, मैंने ये 7 सेल लगाए हुए हैं, ये लाइफ टाइम चलते हैं, 1 चार्ज के साथ 6 महीने आराम से निकल जाते हैं। तो थैंक यू।